नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन में। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके कुछ साथियों पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से कुछ बदमाशों द्वारा फायरिंग किया गया। जानकारी देते हुए महिला ने बताया कि वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसने काम छोड़ दिया था, जिस कारण उसकी ससुराल वाले ईर्ष्या रखने लगे। पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अलग अलग रहने लगे। महिला जब बाजार से राजेंद्र नगर की ओर जा रही थी, उसी समय उसके पति और उसके कुछ साथियों ने उस पर तमंचे से दो फायर कर दिए, जिसमें एक गोली महिला को छूते हुए निकल गई, जिससे वो घायल हो गई। महिला और उसकी सहेली बदमाश संघर्ष कर उनसे कट्टा छीन कर थाने में उसने जमा करवा दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति और ससुराल वाले लड़कियों से अवैध काम करवाते हैं, साथ ही लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का भी काम करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय देहरादून में उन्होंने बतौर डीजीपी अपनी अंतिम प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि मैंने 35 साल पुलिस की वर्दी पहनी है और उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन स्माइल सहित कई अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नशा, ट्रैफिक और साइबर क्राइम पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और उन्होंने अपने कार्यकाल में राज्य के लिए यातायात प्रबंधन, नशा और साइबर क्राइम जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में उनकी पुलिस काफ़ी कारगर रही। लेकिन ये चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, आने वाले डीजीपी के लिए भी ये चुनौतियाँ सबसे बड़ी होंगी, इसके लिए लगातार काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। उस दौरान कुंभ मेले का आयोजन तो शायद ऐसी चुनौती थी जो हर किसी को अपने कार्यकाल में शायद ही देखने को मिले। देखो, यहाँ की तीन चुनौतियां तो बड़ी हैं जो हमने भी मानी थी, पर मैं खुद कह रहा हूँ कि उसको कोई मैं कह सकूँ, क्लेम कर सकूँ कि मैंने 100% सोल्व कर दी। ट्रैफिक, ड्रग्स और साइबर, तो वो अभी भी कंटिन्यूड है। हमने ये जरूर है पूरा सिस्टम बना दिया, पैराफर्नेलिया बना दिया, देश के टॉप साइबर कॉप्स में से एक हमारे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, क्योंकि हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, पूरी टीम बनाई है, पर वो अभी भी चुनौती खड़ी है। तो आने वाले के लिए चुनौतियाँ बनी रहेंगी, पुलिस तो चुनौती से हटके हो ही नहीं सकती। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहाँ सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ठंड और ठिठुरन के मौसम में खेल प्रतियोगिता में बच्चों को डाले से ढोया जा रहा है। ऐसे में ना बच्चों की सेहत का विभाग को कोई ख्याल है और ना ही उनकी सुरक्षा को लेकर विभाग फिक्रमंद है। बहरहाल, बच्चों को डाले से ढोते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल, सुल्तानपुर के पुलिस लाइन में आज बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न ब्लॉकों के साथ सैकड़ों प्राथमिक और जूनियर स्कूल के बच्चे हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें पूरे विभाग की कलाई खोलकर रख दी है, जहां बच्चों को ई रिक्शा डाले से ढोया जा रहा है। ठंड और ठिठुरन के इस मौसम में बेचारे बच्चे परेशान हैं, लेकिन इन बच्चों की सेहत और सुरक्षा को लेकर विभाग को कोई फिक्र ही नहीं है। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को कादीपुर के रायबिगो से लाया गया है, जिसकी दूरी मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर की है। ऐसे में इस खुली गाड़ी से बच्चों को सुबह लाने और शाम को ले जाने में क्या हालत हुई होगी, बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी को वर्जन के लिए फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले वीडियो भेजिए, फिर बात करूंगी। अगली खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में अपनी मांगों को लेकर 40 दिन से धरने पर बैठे धनगर समाज के प्रदर्शन ने विकराल रूप ले लिया है। हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, धनगर नगर समाज के लोग एकत्रित हुए और हजार भेड़ लाकर उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। वो अपना प्रमाण पत्र SC ST में बनवाने के लिए लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना है कि जब वो तहसील पर अपना प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो उनका ST SC के बजाय OBC में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि शासन द्वारा SC ST की श्रेणी में धनगर समाज को रखा गया है। हजारों की संख्या में एकत्रित हुए धनगर समाज के लोग प्रदर्शन करने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर आला अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स पहुंची, उन्हें शांत करवाया।
जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा धनगर समाज के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। मामले का निष्कर्ष निकाला गया, जिसके बाद धनगर समाज द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर को खाली किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उन्नाव में मास एग्रो स्लॉटर हाउस और कानपुर के हेड ऑफिस लेदर फैक्ट्री में आईटी की छापेमारी की गई। मास एग्रो स्लॉटर हाउस में इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी से हड़कंप मच गया। स्लॉटर हाउस में आईटी की 6 गाड़ियों से 14 अधिकारी पहुंचे थे। स्लॉटर हाउस में सुबह से ही आईटी की छापेमारी चल रही थी। अधिकारियों ने कंपनी और श्रमिकों के लेन देन की जाँच की। स्लॉटर के सभी मैनेजर और प्रबंधन समेत कई के मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर जाँच की। देर रात तक आईटी टीम के अधिकारी सभी दस्तावेजों को खंगालने में जुटे रहे, साथ ही कंप्यूटर और सभी बैंक अकाउंट की भी जांच की। स्लॉटर के अंदर देर रात तक आईटी के अधिकारी की टीम मौजूद रही। सूत्रों के हवाले से अब तक बड़ी इनकम टैक्स चोरी की भी सूचना आ रही है। मास एग्रो स्लॉटर हाउस उन्नाव के देही थाना क्षेत्र के बिचपरी में संचालित है। वहीं सुल्तानपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आरोप है कि रात भर डिलीवरी के लिए गर्भवती महिला कराहती रही। परिजन बार बार सो रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को बुलाते रहे, लेकिन सुबह डिलीवरी करवाने की बात कहकर डॉक्टर और स्टाफ टालते रहे। नतीजन महिला और उसके गर्भ में पल रहे मासूम ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कटघरा गाँव की रहने वाली सुनील वर्मा की पत्नी अंबालिका वर्मा गर्भवती थी। बीती रात दर्द ज्यादा हुआ तो ग्राम प्रधान मोहम्मद सोएब ने उन्हें रात 11 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाकर भर्ती करवाया। रात में दर्द ज्यादा होने पर महिला के परिजन डॉक्टर और स्टाफ को बुलाने पहुंचे तो वो सभी सोने में व्यस्त रहे। ज्यादा जोर देने पर इन सभी ने सुबह डिलीवरी की बात कही और पुनः सोने में व्यस्त हो गए। रात में तबीयत और बिगड़ी, लेकिन सोने में मस्त रहे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने आना मुनासिब नहीं समझा, जिसके बाद महिला और उसके गर्भ में पल रहे मासूम ने दम तोड़ दिया। तब से परिजनों का रो रो कर बुला हाल है। एक पेशेंट थी अंबालिका वर्मा, रात 11 बजे उनको लेके आए महिला वार्ड में, एडमिट करवाए, डिलीवरी थी। लेके आए डॉक्टर, जो है एक दो बार डॉक्टर मैंने कहा, कोई देखा नहीं। फिर उन्होंने जाँच लिख दिया, जाँच करा के लेके आइए। मैं गया जाँच करवाने के लिए, फिर मैंने कहा देख लीजिए, कहीं भी देखते हैं देखते हैं। बहुत देर बाद देखा इन्होंने दवा बनाने के बाद, जब देखे तो कहा जो है उनको एक कास्ट्राइल पिला दीजिए। कास्ट्राइल लेके आए, फिर दूसरी डॉक्टर बोल रही है नहीं नहीं कास्ट्राइल मत पिलाइए, फिर कहीं डिलीवरी सुबह होगी। फिर चेक करने के बाद कहा डिलीवरी सुबह होगी। जब सुबह जो है रात ही में फिर उसका जो है हाथ पर सुन होने लगा। घर वाले कहे चलिए देख लीजिए, मैम सब डांट के भगा रहे थे, सब लोग जो है जितने स्टाफ थे सब सो रहे थे यहाँ पे, कोई उठा नहीं रात में। कोई उठा होता होता तो शायद उसकी जान बच जाती। बहुत परेशान हुए लोग जो है। जब फिर हमारे घर गए, मतलब मैं गांव में रहता हूँ, वहाँ बुलाने गए सवारी से, आए मैं देखे पता यहाँ एक्सपायर हो गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज जिले में आला अधिकारियों द्वारा माघ मेले के लिए भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। इसके बाद माघ मेले की तैयारी का आगाज हो गया। जिलाधिकारी, एडीजी, पुलिस कमिश्नर सहित जिले के आला अधिकारियों ने भूमि पूजन कर मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा से आशीष मांगा। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला माघ मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई है। जिले के आला अधिकारियों द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही माघ मेले की तैयारियों का आगाज किया गया। बताते चले कि आगामी 2025 में संगम की रेती पर महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा तथा ये माघ मेला महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आगामी 2025 के महाकुंभ में देश के कोने कोने से करीब 50 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। वहीं झांसी के गुरसराय के गौराठा रोड स्थित बीजेपी कार्यालय के पीछे 26 फुट के सेक्टर है, वहां से रोड के अंदर जाने वाले सेक्टर 19 फीट का है। उसी पर दबंग लोग कब्जा किए हुए हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। जिस पर रात्रि में गुरसराय के दबंग द्वारा रातों रात ट्रैक्टर से जुताई कर और बुआई करके सेक्टर पर कब्जा कर लिया गया है। एक तरफ सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा न करे, दूसरी तरफ पार्टी के नेता अपने आप को खुद सरकार मानते हुए जहां चाहे वहां लूटने में लगे हैं। मामला गुरसराय एवं मडोरी के मेड़े के बीच की है, जहां पर मोहल्ला वासियों ने सेक्टर के नाप का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है और
गुरसराय के दबंग द्वारा रात्रि में ट्रैक्टर चलाकर सेक्टर पर फसल बो दी गई। मामले की जानकारी तत्काल उपाधिकारी गौराठा और तहसीलदार गौराठा को दी गई। इस पर उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच करवाने के लिए आश्वासन दिया है। वहीं झांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में डॉक्टरों की मुर्गा दारू पार्टी में दखल देना मरीजों को भारी पड़ गया। आरोप है कि डॉक्टर ने मरीज के साथ मारपीट की। डिलीवरी करवाने आए महिला के साथ शराब के नशे में चूर डॉक्टर ने अभद्रता की। महिलाओं ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना पर पहुंची गुरसराय थाना पुलिस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा अभद्रता की गई। आपको बता दें कि झांसी जिले के तहसील गौराठा के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय का है, जहां पर गुरसराय निवासी आशुतोष वशिष्ठ ने आरोप लगाते हुए बताया है कि वो ग्राम विक्टोरिया निवासी अपने मित्र की पत्नी की डिलीवरी करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय आए हुए थे। तभी स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों द्वारा शराब के नशे में व्यक्ति के साथ गाली गलौज और मारपीट कर दी गई। वहीं व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना गुरसराय थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची गुरसराय थाना पुलिस के साथ भी चिकित्सकों तथा प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों द्वारा अभद्रता की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी मिशन अस्पताल में जच्चा बच्चा सर्जिकल केंद्र के नाम से संचालित अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई प्रसूता के नवजात बच्चे को मृत दिखाकर बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आमिर MBBS और डॉक्टर जेबा निसार के नाम पर फर्जी तौर पर संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल का तो ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही यहाँ कोई ऑपरेशन होता है, ना ही यहाँ पे कोई भी प्रशिक्षित डॉक्टर बैठता है। यहाँ पर BUMS डॉक्टर और अप्रशिक्षित स्टाफ के जरिए जच्चा बच्चा का ऑपरेशन किया जाता है, बल्कि उनका एलोपैथी माध्यम से इलाज भी किया जाता है। पुलिस ने नवजात को बेचने के आरोप में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नवजात को सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी नगर पंचायत के एक सभासद के घर से सकुशल बरामद कर लिया है और उसे मां के हवाले कर दिया है। वहीं मैनपुरी जिले में प्रधानाध्यापक भयमुक्त है। तभी तो सुख शैन की नींद लेते हुए प्रधानाध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि प्रधानाध्यापक को कार्रवाई का कोई डर नहीं है। प्रधानाध्यापक बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर 4 दिन पहले की तारीख लिखी हुई है, 2009 से शिक्षक की कडेहार में तैनाती है। मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय कडेहार का है। अरे नहीं है भाई। तो आप सो कैसे रही हैं? अरे आ गई है ना, आ गई, बच्चों को आ जाएगी, बैठ गए यहाँ। तो बच्चों आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सुस्ती आएगी? बच्चों की सुस्ती बात कर रहा हूँ मैं, आपकी पूछ रहा हूँ। मैं दवा खा ली थी, नींद की, नींद की नहीं खा ली थी, ब्लड प्रेशर की खा ली थी। चलिए ठीक है, दिखाऊं हम, दिखाऊंगे बाबा। ना दिखाओ मत, हमने आपकी बात मान ली। आप शिक्षक हैं, आप जो है सत्यता के वो हैं साक्षात। 25 तारीख लिखी हुई है, क्या पढ़ाते हैं आप? नहीं पढ़ाते हैं, इधर आए लंच से पहले आप कॉपी देख लीजिए। नहीं डेट नहीं, मैंने चेंज करवाई थी, मैंने क्वेश्चन कराए थे। अच्छा, नहीं स्कूल का पहले तो आज नहीं कराए, ये पहले का लिखा हुआ है, तो आप कॉपी देख सकते हैं। नहीं नहीं कॉपी नहीं, सबसे पहले आते हैं तो डेट डालते हैं, आज क्या डेट है। यही शिक्षा क्लास से इसमें आया। क्या नाम है आपका, नाम क्या है, किस पद पे हैं? सहायक अध्यापक। चलिए ठीक है सर, भाई आप बता रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है। जैसे दूसरी क्लास से इसमें आया। वहीं रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे बिचला गांव का है, जहां संगीता का गांव के ही रहने वाले नीरज से जमीनी विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला पर हमला बोल दिया। महिला को बचाने गए लोगों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उन पर भी हमला बोल दिया। हमले में महिला संगीता समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां संगीता की हालत खराब होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। संभल में गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिससे सड़क किनारे खड़ा व्यक्ति ट्रक के नीचे आ गया। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई।
रेस्क्यू कर बमुश्किल शख्स को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि यातायात माह में ओवरलोड वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। गन्ने से लदा ट्रक असमौली शुगर मिल जा रहा था। मामला असमौली थाना इलाके के मिल चौराहे का है। रिजर्व पुलिस लाइन बहराइच में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा यातायात माह के समापन के अवसर पर पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए जनता से अपील की गई और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं एटा में खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया के मूल मंत्र से प्रेरित विभिन्न उम्र के छात्र छात्राओं ने खेल के विभिन्न प्रतियोगिता में अपनी दक्षता और प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए बढ़ते भारत में खेल की भूमिका को आगे बढ़ाया। जीडी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में आज मुख्य अतिथि के रूप में आए उप जिलाधिकारी प्रतीत त्रिपाठी ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए शारीरिक खेल को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए कहा कि आज के समय बच्चों में मोबाइल गेम की लत पड़ चुकी है। वो मोबाइल गेम के चलते देश की संस्कृति और स्वास्थ्य के प्रति आवश्यक आउटडोर गेम से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में सभी स्कूल प्रबंधक द्वारा आयोजित यह खेल प्रतियोगिता काफी महत्वपूर्ण है। अभिभावकों को इस और ध्यान देना चाहिए। अनुशासन समूह में काम करना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पढ़ाई के साथ खेल की महिमा भूमिका रहती है। ऐसे खेल प्रोग्रामों से बच्चों को काफ़ी सीखने को मिलेगा। केंद्र और प्रदेश की सरकार खेलों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। वहीं रायबरेली में दीवार पर बनाई गई मुख्यमंत्री की तस्वीर पर अज्ञात लोगों ने काली पोत दी, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुरी कलिका बख्श मझहरे एहरा गांव का है, जहां अपशिष्ट प्रबंधक केंद्र की दीवार पर बने माननीय मुख्यमंत्री यूपी के चित्र को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा काले रंग से पोत दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। सादर अवगत कराना है कि थाना लालगंज के मजरे कालिका बकस आईहार में अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की दीवार पर किसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की चित्र पर कालिख लगा दिया था। इस सूचना पर तत्काल हलके के दरोगा द्वारा जाकर के चेक किया गया एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। प्रतापगढ़ में भगदड़ के दौरान कुएं में गिरकर शिक्षक की मौत के मामले में नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी रही। आपको बता दें कि भोजपुरी गाना बजाने के दौरान बराती और धराती के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट और भगदड़ के दौरान कुएं में गिरने से एक शिक्षक की मौत हो गई थी। मामला उदयपुर थाना क्षेत्र का है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।